हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे इन पीएचपी। ये एरे का थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इससे पहले मैंने एरे की दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने सिंपल एरे का इंडेक्स एरे डिस्कस किया था, उसके बाद हमने एसोसिएटिव एरे डिस्कस किया था, और ये लास्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट है जो एरे का, इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर आपने अभी तक एरे की पहली वाली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन दो वीडियोस को देखें, उसके बाद ही इस थर्ड वीडियो को देखें, तभी आपके मल्टी डायमेंशनल एरे समझ आएगा अच्छे से। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले वाले दो वीडियो देखें एरे की, और उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मल्टी डायमेंशनल एरे इन पीएचपी। मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम एरे ऑफ एरे बोलते हैं क्योंकि इसमें हम मल्टीपल एरेज डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एरे वन बनाते हैं, सपोज ये एरे वन है, ठीक है। ऐसे ही हम एरे टू बनाते हैं, और ऐसे ही हम एरे थर्ड बनाते हैं, ठीक है। और इन एरेज में ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये एक कंप्लीट एरे होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। तो इसका सिंटेक्स हम देख सकते हैं कि इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नाम का एक एरे बनाया, और इस एरे के अंदर, ये कंप्लीट एरे है, इसके अंदर हम अगेन ये एक एरे बनाया, फिर से ये एक सेकेंड एरे बनाया, और इसी तरीके से ये थर्ड एरे बनाया था, ठीक है। इस तरीके से तीन एरे बनाए। तो एरे वन, इसको हम बोल सकते हैं कि रो वन, ठीक है, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं रो वन, और इसको हम बोल सकते हैं ये रो टू है, और इसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये थर्ड रो है, ठीक है। और इस रोज में फिर ये करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का। ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ एम्प्लॉयज नाम का, ईएमपी नाम से, और इसमें मैं एक एरे बना दिया मैंने एरे, ठीक है, ये एरे बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरे के अंदर फिर से मैं एक दूसरा एरे डिफाइन करता हूँ एरे, और इसमें मैं वैल्यूज असाइन कर देता हूँ, लेट्स से वन एंड ए एंड 25,000। मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज नाम के एरे बना रहा हूँ, उसमें ये एम्प्लॉय वन का डेटा है, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सपोज इसको मैं कर देता हूँ 30,000, और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने ये क्या किया, ये कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स है जो हमने बना दिया है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एरे बनाया, उसके अंदर फिर से ये एक एरे बनाया, और फिर से ये यहाँ पर दूसरा एरे बनाया, और इसी तरीके से यहाँ पर ये हमने थर्ड एरे बनाया। हमने तीन एरे बनाए हैं इस एरे के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं हम एरे ऑफ एरे, मतलब ये एरे और इसके फिर ये तीन सब एरे बोल सकते हैं हम, ये सब एरे हैं। तो ये कंप्लीट एक टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर कर दिया है। अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें वैल्यूज को, तो कैसे एक्सेस करें। सपोज मैं एम्प्लॉय वन का नाम एक्सेस करना चाहता हूँ ये, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इको सबसे पहले एम्प, मतलब इस ये एरे, ठीक है, इस एरे का नाम। अगर अब मैं यहाँ पर जीरो दूंगा तो ये क्या करेगा, इस एम एरे का, इस एरे का इंडेक्स वन पे जाएगा। तो इंडेक्स वन पे क्या है, इंडेक्स वन पे दूसरा एरे फिर से। तो इतना लिखने से इंडेक्स वन पे पहुंच गया है, जहां पर एक कंप्लीट दूसरा एरे है। तो अब इस एरे के हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो फिर से इंडेक्सिंग करेंगे हम जीरो और वन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे वन कर देंगे, तो जीरो एंड वन दो इंडेक्स देंगे हम यहाँ पर। जीरो किस लिए, जीरो तो इस एरे के इंडेक्स के लिए, मतलब इस एरे का जीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू है, और फिर ये दूसरा इंडेक्स हम देंगे इस एरे के लिए,
ठीक है, 0 1। तो इस तरीके से अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये यहाँ पर ए वैल्यू को प्रिंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इस फाइल को, तो ये आप देख रहे हैं कि ए प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है ए। अब इसी तरीके से मैं सपोज एम्प्लॉयज सेकेंड एम्प्लॉय बी एम्प्लॉयज की सैलरी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने के लिए इंडेक्स 2 लिखूंगा, ठीक है, इस एरे का इंडेक्स 1, इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स 1 करूँगा इसको, और इसके बाद इंडेक्स 1 करके इसकी सैलरी एक्सेस करना है, तो मेरे को अगेन इंडेक्सिंग करनी होगी 0 1 और 2। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, तो अब इसको मैं सेव करके अगर प्रिंट करवाता हूँ इसका आउटपुट, तो ये 30,000 प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय बी की सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कि मैं सपोज पूरी रो को प्रिंट करवाना चाहूँ, पूरे एम्प्लॉय 1 की डेटा को प्रिंट करवाना चाहूँ, तो इसको मैं सिंपल ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ, इको एम्प इसमें 0 और यहाँ पर अगेन 0, ठीक है। फिर 0 0 से क्या प्रिंट करेगा, इसको 0 1 से इसको, और 0 2 से इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर br टैग और यूज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आउटपुट क्लियर दिखे, ठीक है। तो ये 0 0 से 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके 3 times यहाँ पर मैं इसको देता हूँ, 0 0 मतलब इसको, 0 1 इसको, और 0 2 इसको, तो 0 0 0 1 एंड 0 2। इस तरीके से ये 0 0 इसको, 0 1 पे इसको, और 0 2 से इसको, एम्प्लॉय 1 का कंप्लीट डेटा ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय 1 का इसने कंप्लीट डेटा यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये हुआ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हम एरे में, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि वैल्यूज असाइन करने का एक दूसरा तरीका हो होता है, सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि मैंने सिंपल एक एरे बना दिया, ठीक है, एक एरे बना दिया। अब हमें इस एरे में फिर से एरे बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एम्प 0, ठीक है। तो इस एरे के 0 इंडेक्स, मतलब इस एरे के यहाँ पे मैं फिर से 0 इंडेक्स पे एक दूसरा एरे बना देता हूँ, ठीक है, दूसरा एरे बना दिया मैंने, और मैं इसमें फिर से वही वैल्यूज मैं यहाँ पर जैसे इसमें असाइन कर देता हूँ, ठीक है, सेम वैल्यू। तो ये हुआ रो 1, इसको हम बोल सकते हैं रो 1, या फिर इंडेक्स 0 पे अगेन एक एरे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको 3 times कॉपी करके यहाँ पर एम्प्लॉय 2, जो कि इंडेक्स 1 पे एम्प्लॉय 2 असाइन कर दिया, इसका नाम मैं लेट से बी दे देता हूँ, और इसकी सैलरी लेट से 30,000, ठीक है। इसी तरीके से इंडेक्स 2 पे 3rd एम्प्लॉय, और उसका नाम लेट से सी, और इसकी सैलरी लेट से 50,000, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट कर दिया है, ठीक है, ये उसी के इक्वल है जो अभी हमने दूसरा पहला तरीका देखा था वैल्यू असाइन करने का, ये और ये सेम ही है। अगर अब मैं वापस से यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ कि इको करके एम्प्लॉयज की वैल्यू 1, सॉरी इंडेक्स 1 पे 0 0 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इंडेक्स 0 पे जाएगा, मतलब एम्प्स पे जाएगा, और इसके जाने के बाद अगेन देखा इसने यहाँ पे फिर से एरे है, तो फिर से एरे में दूसरा इंडेक्स का यूज करके 1 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर 1 प्रिंट कर रहा है सिंपल, जो कि कैसे प्रिंट किया, एम्प्लॉय एरे के 0 इंडेक्स पे गया, इस एरे के इंडेक्स 0 पे गया, तो इंडेक्स 0 पे इसने देखा यहाँ पे फिर से एरे है, तो फिर से एरे, तो इसमें अगेन इंडेक्स 0 पे जाएगा, और यहाँ पे इसने 1 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट देखा है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस तरीके से हमने ये एरे का 3rd पार्ट था हमने डिस्कस कर लिया है, एरे के 3 टाइप, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, और ये लास्ट जो मल्टी डायमेंशनल एरे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन PHP। एरे हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर अभी तक की वीडियोज नहीं देखी हैं पहले वाली,
तो आप पहले वाली वीडियोस को देखिए, तभी आपको अब यहाँ पर समझ आएगा। अदरवाइज यहाँ पर फंक्शंस में अब कॉम्प्लिकेशन आने लग जाएगा। तो आप प्लीज पहले की वीडियोस देखिए, सारी वीडियोस, एंड उन सारी वीडियोस की आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।